हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि ये जो है आज का 27 जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स है आपका हिंदी में, ठीक है। एक्चुअली आज मॉर्निंग में, क्योंकि आज संडे था, तो संडे को थोड़ा सा आप जानते हैं कि टाइम का इशू हो जाता है, जिसके चलते हम सुबह आपकी क्लास नहीं कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि प्रतिवर्ष 25 जुलाई को दुनिया भर में विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो भाई 25 दिवस को, क्या मनाया, 25 जुलाई को, ठीक है ना भाई, क्या मनाया जाता है? तो विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस, ठीक है। और सभी लोग भाई, अगर चैनल में कोई नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसे वीडियो प्रतिदिन मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू में दिया हुआ है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है भाई? तो 82वां स्थान मिला है, 82, ठीक है ना, प्लेस, ये ऐसे हम कह सकते हैं। मतलब किस किस प्लेस पर है, किस पायदान पर है? तो 82वें पायदान पर है ये, ठीक है भारत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आकाशवाणी के पूर्व समाचार संपादक, है ना। आपने देखा होगा कि पहले एफएम चलता था, जब एफएम अभी भी चलता है, लेकिन पहले जब लोग रेडियो सुनते थे तो उसमें क्या होता था, बोला जाता था कि ये आकाशवाणी का केंद्र है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो लिखा है पूर्व समाचार संपादक, तो उसी आकाशवाणी की बात हो रही है। पी चंद्रशेखर का केरल के कोझिकोड में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कब? 94 वर्ष के थे तब जाके इनका केरल के कोझिकोड में इनका निधन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन में दिया है कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 में पौधारोपण अभियान के अंतर्गत राजधानी में 64 लाख 64 लाख से अधिक पौधे लगाने और वितरण करने का लक्ष्य रखा है। कब रखा है? तो 2024 के अंतर्गत, ठीक है। किस सरकार ने? तो दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी को सर्वसम्मति से दोबारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की सदस्य के रूप में चुना गया है भाई, ठीक है। किसको? तो नीता जी, अंबानी जी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे हम लोग। सिक्स देखेंगे। सिक्स में दिया है कि पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है। तो ग्रेविन, ठीक है, ग्रेविन म्यूजियम है, कहाँ है? तो भैया पेरिस में है, ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवन में दिया है क्रिस्टन माइकल को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसको? क्रिस्टन माइकल को, कहाँ का? एस्टोनिया का, ठीक है। तो सब जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, ये कम से कम आपका जो वीडियो है ये 5 से 7 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा ऊपर का नहीं होता है। तो सभी लोग से निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। अगर कोई अभी समस्या है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 120 क्रिकेट में रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। मतलब उन्होंने, सॉरी, यहाँ पर T20 लिखा हुआ है, तो मैंने जल्दबाजी में चीज़ पढ़ दी, सबसे ज़्यादा T20, ठीक है। एक्चुअली स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से हो गया। सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट में रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है कौन? तो हरमनप्रीत कौर, ठीक है। हाल ही में एशिया कप चल रहा था और वो हम लोग हार भी चुके हैं, तो कोई बात नहीं,
आगे फोकस किया जाएगा इस पर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर के मेघालय राज्य ने अपना OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है। OTT प्लेटफॉर्म कौन सा? तो भाई हेलो मेघालय, हेलो वाला हेलो और मेघालय, क्योंकि मेघालय राज्य ने लॉन्च किया है इस वजह से हेलो मेघालय। तो इस बात को तो सब लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि उसी के नाम पर ही है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज आज यानी 26 जुलाई 2024 से हो रहा है। कब से हुआ है पेरिस में? तो भैया 26 जुलाई से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर में दिया है कि राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हाल का नाम गणतंत्र मंडप रखा गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा एडिटिंग में गड़बड़ हो गया था, प्ले ले किया था, खैर कोई बात नहीं, इतना देखेंगे कि राष्ट्रपति भवन में स्थित है कौन सा दरबार हाल जिसका नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो चूँकि गला ख़राब है थोड़ा सा और इस वजह से माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा इधर उधर, तो कुछ बोलने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो तो सभी से क्षमा चाहेंगे और इग्नोर करिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्लास में आपको इससे ज़्यादा सफाई मिलेगी, तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।